मानू कि आप संसद में आम आदमी को चुन के भेजेंगे, बहुत पैसे वाले व्यक्ति को भेजेंगे? आम आदमी को भेजेंगे। क्यों आम आदमी के चुनाव में आप आम आदमी को मोहर लगाएंगे? भ्रष्टाचार बहुत हो गया अभी तो, भ्रष्टाचार बहुत हो गया है तो बाकी पक्ष भी तो है उधर, बाकी पक्ष भी उठा के फेंकेंगे। आने वाले लोकसभा चुनाव में किसको संसद में जाना चाहिए? आप पार्टी को जाना चाहिए। आप पार्टी को जाना चाहिए? क्यों आप पार्टी को जाना चाहिए? क्यों जाना चाहिए मतलब ये आम आदमी की पार्टी है। आम आदमी की पार्टी है तो बाकी पार्टी आम आदमी की पार्टी नहीं है, वो पैसे वालों की पार्टी है। आम आदमी की आवाज उठाने वाला व्यक्ति चाहिए, आम महिला की आवाज उठाने वाला व्यक्ति चाहिए, या बहुत पैसा बहुत ताकतवर गुंडा चाहिए? कौन चाहिए? एक शरीफ आदमी, एक केजरीवाल जैसा आदमी चाहिए। आपको ईमानदार आदमी चाहिए? लेकिन बाकी पक्ष भी तो है, वो कहते हैं वो भी ईमानदार है। वो कोई ईमानदार नहीं, कांग्रेस भी ईमानदार नहीं, बीजेपी भी ईमानदार नहीं, ईमानदार है सिर्फ आम आदमी पार्टी। भ्रष्टाचार जो सबको लेके चले, जो सबको लेके चले, तो आपको लगता है आम आदमी पार्टी सबको लेके चलती है? तो इस बार हम किस पे मुहर लगाने वाले? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी पे, झाड़ू पे। मतदान में आपको क्या लगता है संसद में कौन जाना चाहिए, एक बहुत विशिष्ट पैसे वाला व्यक्ति या आम आदमी के हितों को ध्यान में रखने वाला व्यक्ति? आम आदमी पार्टी का ही आदमी जाना चाहिए। क्या विशेषता है आम आदमी पार्टी का व्यक्ति जाने के लिए? इसमें कैसा है भ्रष्टाचार, और इसमें बहुत ये हो गया देश, और पुणे के जैसे शहर में तो इतना ट्रैफिक का प्रॉब्लम है कि उससे बहुत ही कंटाला आ गया है। आप क्या करते हैं साहब? हमारा बिजनेस है। आपका बिजनेस है? हाँ। तो आप समझते हैं कि व्यापारी संगठन सब लोग आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करेंगे? करना चाहिए और करेंगे। हम आपको बोल रहे हैं कि हम हमारे एसोसिएशन की तरफ से भी आपको पूरा सहकार्य करेंगे। लोकसभा चुनाव में आप क्या चाहते हैं, संसद में कौन चुन के जाए? बहुत बड़ा पैसे वाला व्यक्ति, बहुत बड़ा कोई ताकतवर व्यक्ति, या फिर एक आम आदमी की आवाज उठाने वाला व्यक्ति? आम आदमी को समझ सके। जो आम आदमी को समझ सके। तो आप किसके लिए मतदान करने वाले हैं? झाड़ू का, ना संसद का, ना कारू का, जो चलेगा झाड़ू का।